Hey, good morning, Modern Star. How are you all? I hope you're all fine and good. Friends, today I will teach you English. आपको मैंने इंग्लिश में 3 चैप्टर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट क्लियर बता दिया था बेटा. आप लोगों ने यहाँ पर चार्ट भी बनाया था, ये आइसक्रीम की कोन भी कलर करके आज सेंड किया था. तो आज आपका ये तो कंप्लीट हो गया है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज है हमारा 9. सभी बच्चे अपना पेज नंबर 9 जल्दी से ओपन करेंगे. डू समथिंग, कुछ हमें यहाँ करना है. हमारी एक्सरसाइज है क्या है, कनेक्ट द गिवन लेटर्स विद द करेक्ट वर्ड्स. हमें क्या करना है, करेक्ट लेटर को करेक्ट वर्ड से कनेक्ट करना है. ओके, हमारा वर्ड यहाँ पर है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, और हमारे लेटर्स तो अलग अलग आपको दिख ही रहे हैं बेटा. मैंने मैच भी किया है यहाँ पर, और आप भी इसको मैच करेंगे. हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही आज पढ़ना है, ये वाला कोई नहीं करेगा, इसको मैं बाद में बताऊंगी. तो यहाँ पर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट हैं. वॉवेल्स मैंने आपको लर्न करा दिया था, 5 वॉवेल्स होते हैं. अगर आपको 5 वॉवेल्स बेटा लर्न है तो कॉन्सोनेंट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉवेल्स को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट ही होते हैं. ओके, तो यहाँ पर ए है हमारा, तो ये हमारा वॉवेल्स, ई वॉवेल्स, ए ई, आई वॉवेल्स, यू वॉवेल्स, ओ भी वॉवेल्स है. बाकी जितने बचे हमें सारे कॉन्सोनेंट से मैच कर देना है. जल्दी जल्दी मैचिंग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आप पेंसिल से बुक में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. वॉवेल्स को वॉवेल्स से मैच करना है, कॉन्सनेंट को कॉन्सनेंट से मैच करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बुक का वर्क है, बुक में कंप्लीट करना है. बट जिन बच्चों के पास बुक नहीं है बेटा, वो ऐसे चार्ट बना लेंगे अपनी कॉपी पर, उसी पर करेंगे. ओके ओके बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लाइव क्लास में पूछ लेगा मुझसे. जल्दी से आप लोगों से कंप्लीट करके सेंड करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच ऑल.